सीकर शहर के पिपरोली चौराहे पर आज दिन दहाड़े फायरिंग की घटना से सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार पिपराली चौराहे पर स्थित आर के मेगा मार्ट के बाहर बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाशों ने दुकान पर करीब 4 राउंड की फायरिंग की। इतना ही नहीं, घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई। दिन दहाड़े हुई फायरिंग की इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार उस समय दुकान का एक कर्मचारी रोहित वहां पर मौजूद था, जो फायरिंग की घटना के समय डर कर काउंटर के नीचे छिप गया था। फायरिंग की इस घटना के बाद मौके पर पहुंची उद्योग नगर थाना पुलिस ने घटना स्थल से 4 खाली कारतूस बरामद किए हैं। उद्योग नगर थाना पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फायरिंग करने वाले बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। कितनी बजे की घटना है बता दीजिए? 3:40 की घटना जी। सर, क्या मामला हो गया फायरिंग की घटना को? हमारा शोरूम है विजयपुर झुंझुनू बाईपास के पास, आर के मेगा मार्ट के नाम से। यहाँ करीबन 3:20 के समथिंग दो बदमाश आए और उन्होंने बाहर से मेरे फायर किया। एक तब मैं बैठा था काउंटर पर, मेरे को ऐसा लगा कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। फिर मैंने उठ के देखा तो साइड में से वो रिलोड कर रहा था बाहर खड़ा खड़े। फिर सर मैंने जल्दी से घबराहट में, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भाई सामने चला जाए, और नीचे काउंटर के अंदर गया और जल्दी से भैया को फ़ोन लगाया कि भाई अपने शोरूम के बाहर फायर हो गई। इतने में 4 फायर हो गई। फिर बाहर वाले जल्दी वो जैसे निकले ना तो बाहर वाले आकर बोले आजू बाजू कोई कुछ नहीं। कितने लोग थे बाइक पर? दो भाई। आपसे रंजीश का मामला आप जानते हो? नहीं नहीं सर, हमारे कोई आप जो आए उनको पहचान का? नहीं सर, उनको नहीं पहचान। आपका नाम? मेरा नाम रोहित सिंह। क्या है पूरा अपना? उद्योग नगर क्षेत्र में जयपुर जो बाईपास में पिपराली चौराहे के पास में आर के टाइल्स सैनिटरी का बड़ा शोरूम है। आरोपी मुस्लिम है, उनका ये शोरूम है। इसकी सूचना मिलती है कि फायरिंग हुई है। मौके पर मैं जाप्ता के पहुँचा, जाँच की तो ये बात सामने आई। करीबन 3:30 बजे दो अज्ञात बदमाश से शोरूम से आए और पिस्टल से शीशे के ऊपर फायर किए। मौके पर 4 राउंड मिले हैं। अज्ञात बदमाश शाम सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं, जिनकी टीमें बनाकर तलाश की जा रही है। आरोपी कितने हैं? दो सीसीटीवी फुटेज में दो आरोपी नजर आ रहे हैं। इसमें कोई आपसी रंजिश का ऐसा कोई मामला सामने? जो शोरूम मालिक है इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक इन्होंने ऐसी कोई बात बताई नहीं है, कोई धमकी इत्यादि, लेकिन फिर भी इनसे कोई ना कोई बात, इनके पास कोई धमकी या कोई और कोई बात है उनसे पूछताछ की जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।